ईमानदारी की मशाल जलाए, भ्रष्टाचार मिटाने का नारा बुलंद करने वाले, आम आदमी के हितों की रक्षा की अलग जगाने वाले और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को करप्ट बताने वाले केजरीवाल के खिलाफ ताजा विवाद ओवर स्टाफ का है। दिल्ली में वीआईपी कल्चर खत्म होगा, आम आदमी की सरकार होगी, करप्शन मुक्त शासन होगा और बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। ऐसे तमाम तामझाम और नारों के साथ दिल्ली की जनता को लुभाकर जब केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो सियासत के उन्हीं आडंबरों को अपना लिया जिनका आरोप केजरीवाल दूसरी पार्टियों पर लगाते रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पार्टी के कैडर को ही नौकरी देने और उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना शुरू कर दिया है और इतना ज्यादा कि अब विवाद बन गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके सरकारी पावर का दुरुपयोग करके अपने पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाना, ये अब आम आदमी पार्टी में भी आम होता जा रहा है। एक आम आदमी अगर खास आदमी की तरह बिहेव करे तो लोगों के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता, लोग कई लोग रिग्रेट करने लगते हैं। मैं समझता हूं कि अननेसेसरी इतने लाव लश्कर की आवश्यकता नहीं है किसी आम आदमी के मुख्यमंत्री को। दरअसल विवाद का मुद्दा है मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मंत्रियों के पास नियमों से ज्यादा स्टाफ होना। सीएम और उनकी कैबिनेट के पास इस वक्त 200 से ज्यादा स्टाफ काम कर रहा है जबकि इजाजत सिर्फ 81 स्टाफ की ही है। अकेले केजरीवाल के पास 79 स्टाफ सेवाएं दे रहा है जबकि शीला सरकार में सीएम और मंत्रियों के पास इससे आधे से कम 98 स्टाफ काम कर रहा था। यानी केजरीवाल सरकार ने पिछली सरकार से दोगुने से ज्यादा स्टाफ रखा है जिसे वेतन के अलावा घर और गाड़ी की भी सुविधा मिल रही है। दिलचस्प ये कि सारी जानकारी खुद केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश शर्मा के सवाल पर दी। बीजेपी इसे केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क बता रही है। आज की जो सरकार है, इस सरकार ने पूरे देश को और दिल्ली को एक बहुत तरह के वायदे किए थे कि अलग तरह की राजनीतिक कल्चर लेकर के आएंगे और एक आम आदमी की सरकार होगी, इसमें बहुत सारी नैतिकता होगी, इसमें बहुत ज्यादा कम खर्च होगा, मितव्ययिता होगी, इस तरह की सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन व्यवहार में ये सरकार पूरी तरह से उलट दिखाई पड़ रही है। बात यही नहीं रुकी, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने इसके अलावा 28 लोगों की कोर टर्मिनस भर्ती भी की है जिसमें पीए, विशेषज्ञ, मीडिया सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार और ड्राइवर चपरासी शामिल है जिनकी सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक है जो कोई सीनियर आईएएस अधिकारियों से भी ज्यादा है। इसके अलावा आवास, गाड़ी समेत कई सुविधाएं भी कोर टर्मिनस भर्ती वालों को दी गई है। अभी एक दो दिन पहले ही केजरीवाल के घर का बिजली का बिल भी 1,25,000 रुपए आया है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आम आदमी के पैसे से पूरी तरह ऐश करने का आरोप भी सच में दिखने लगा है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।